أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students, today our lesson is O-Level Islamiyat Five Pillar of Islam mein Types of Hajj There are three different types of Hajj. Hajj-e-Ifrad, Hajj-e-Qiran, and Hajj-e-Tamattu. Hajj-e-Ifrad, ये वो हज है जिसमें हाजी सिर्फ हज का इरादा करता है और हज ही परफॉर्म करता है. The person who performs Hajj-e-Ifrad is called mufrid. He puts on ihram at miqat prescribed for himself for hajj alone. He continues wearing it until the completion of all rites of hajj. It is desirable to offer a sacrifice but it is not obligatory. Yani hajj-e-ifrad mein qurbani zaruri nahi, farz nahi. अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है, डिजायरेबल है. हज्जे किरान, इन हज्जे किरान द पिलग्रिम इज कॉल्ड कारन. इस हज में हाजी जो है वो हज और उम्रा दोनों की नियत करता है, इकट्ठी करता है. पहले वो उम्रा करता है, उम्रा करने के बाद वो एहराम उतारता नहीं, एहराम की हालत में रहता है और हज करने के बाद वो एहराम उतारता है तो उसको हज्जे किरान बोलते हैं. He puts on ihram at miqat prescribed himself for both umrah and hajj. On reaching Makkah, he performs umrah but does not shave his head nor puts off ihram. He takes off his ihram after performing the hajj. Sacrifice is obligatory in this method. यानी हज्जे किरान करने वालों के लिए sacrifice करना, कुर्बानी करना ज़रूरी है. हज्जे तमत्तो, हज्जे तमत्तो ये है कि हज उम्रा दोनों की नियत थी लेकिन पहले उसने, हाजी ने उम्रे की नियत की, उम्रा परफॉर्म करने के बाद उसने शेविंग दी हेड और शॉर्टनिंग हेयर कर दिया, एहराम उतार दिया, हज के लिए दोबारा एहराम बांधा तो उसको हज्जे तमत्तो बोलते हैं. इन तमत्तो द पिलग्रिम इज कॉल्ड मुतमत्ता. ही पुट्स ऑन एहराम फॉर उमरा आफ्टर उमरा ही शेव्स हिज हेड और शॉर्ट्स हिज हेयर एंड गेट्स आउट ऑफ एहराम. Now he is free of all the prohibition of ihram. यानि ihram उतारने के बाद जो ihram की prohibition है, जो restrictions हैं, उसमें वो free है. On the 8th of Zulhajj, he again puts on ihram for Hajj. और इसके बाद वो दोबारा फिर हज परफॉर्म करता है और हज परफॉर्म करने के बाद वो दोबारा शेविंग हेड और शॉर्टनिंग हेयर करता है और ihram उतारता है तो इसको हज्जे तमत्तो बोलते हैं. For those who perform this, sacrifice is obligatory. हज्जे किरान में और हज्जे तमत्तो दोनों में sacrifice ज़रूरी है. हज्जे किरान और तमत्तो दोनों ही इनका रिवार्ड ज़्यादा है. अल्लाह के नबी सल्लम ने हज्जे किरान किया था लेकिन ख्वाहिश की थी कि अगर अल्लाह ताला उनको मौका दे तो अगले साल वो हज्जे तमत्तो करेंगे. हज्जे तमत्तो में ये फ़ायदा है कि उम्रा करने के बाद जब एहराम उतारते हैं तो एहराम की बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें इंसान फ्री हो जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, हज किरान में करनी पड़ती हैं. अगर कोई इंसान जो है वो सेवन सिल हज को पहुंचा है और उसने उम्रा कर लिया है और एहराम नहीं उतारा तो वो कंटिन्यू रखा है तो ये उसके लिए बेहतर होगा. लेकिन अगर कोई पहले पहुँच गया है, बहुत अरसा पहले, दो तीन दिन पहले या हफ्ता पहले, तो उसके लिए बेहतर है कि हज तमत्तो करे, उम्रा करके एहराम उतार दे
और फिर दोबारा एड दिल हज को दोबारा अहराम बांध ले। तो ये तो आज का हमारा लेसन था। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अल्लाह हाफिज़।